हिमाचल के अस्पतालों में बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित, अब इन जगह भी मास्क अनिवार्य करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में अब बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का अब सख्ती से पालन होगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य अस्पतालों में इसका असर देखने लगा है। 28 जुलाई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर जगह मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। बसों में व बाजार सहित अन्य सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकार को भेजने की तैयारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 4200 के करीब एक्टिव केस हो गए हैं। रोजाना 600 से 700 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फूफा ने 9 साल की भतीजी को बनाया हवस का शिकार। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले एक मामले में फूफा ने 9 साल की भतीजी को हवस का शिकार बना दिया। पीड़िता दादी के यहां आई थी। इस मामले का खुलासा रविवार को हुआ था। एसपी ओमपति जम्वाल ने बताया कि महिला थाने में 17 जुलाई को आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोपी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश देकर जेल में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता का परिवार किराए के घर में रह रहा है। आरोपी सढ़ोरा हरियाणा का रहने वाला बताया जाता है। एसपी ने बताया कि इस मामले में जारी है। हिमाचल में 24 घंटों के अंदर 719 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना के 719 पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 53, चंबा 52, हमीरपुर 62, कांगड़ा 92, किन्नौर 25, कुल्लू 35, लाहौल स्पीति 10, मंडी 216, शिमला 91, सिरमौर 38, सोलन 26 व ऊना के 19 मरीज शामिल हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 294,688 पहुंच गया है। वर्तमान में 4,155 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं अभी तक 286,376 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक दिन के अंदर 617 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 47,70,944 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 44,76,256 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अभी तक कोरोना से 4,136 लोगों की मौत हो चुकी है। महिला के कानों से बाली और कोके छीनकर भागे नकाबपोश बाइक सवार। दिन दिहाड़े चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। उपमंडल हरोली के तहत लोअर रोड़ा स्थित कन्वेंचरी की दुकान में घुसकर बुजुर्ग महिला के कानों से बाली व कोके छीनकर नकाबपोश बाइक सवार भाग गए। लोअर रोड़ा हरोली रामपुर पुल के नजदीक दुकान पर पंजाब नंबर की बाइक पर सवार होकर दो युवक दुकान पर पहुंचे। उस समय दुकान मालिक किसी काम से घर गया था। उसकी माता कांता देवी पत्नी तिलकराज दुकान पर थी। युवकों ने उनसे कोल्ड ड्रिंक्स की दो बोतलें मांगी। बिस्किट लेने के बहाने एक युवक दुकान के अंदर आ गया। अकेली महिला को उसने नीचे पटक दिया और कान में पहने सोने की एक बाली व नाक में पहने एक कोके को झपट लिया। इससे महिला के कान व नाक से खून बहने लगा। इस दौरान उसका दूसरा साथी बाहर खड़ा रहा। महिला ने जब शोर मचाया तो छीना झपटी करते युवक मुंह पर कपड़ा लपेट कर भाग गए। हालांकि लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़े नहीं गए। पीड़ित दुकानदार ने थाना हरोली में मामला दर्ज करवा दिया है। इस स्थान पर कुछ माह पहले भद्रसाली निवासी महिला से दिन दिहाड़े लूट हो चुकी है।